रहीम जी मौजूद हैं जी। हम आज लाहौर का एक छोटा सा, जिसे मैं हमेशा जजीरा कहता होता हूँ, बेगम कोट, वहाँ पे मौजूद हैं। और आज हम आगे चले, मैं आपको बताता हूँ, शऊर वेलफेयर फाउंडेशन के प्लेटफॉर्म से आज हम यहाँ पे मौजूद हैं। और यहाँ पे हमने एक प्लांट का इफ्तिताह किया, फ़िल्टर प्लांट का। ये इलाका लाहौर के बिल्कुल करीब शादरा के पास है, लेकिन यहाँ पर जो सहूलियात का फुकदान है, यहाँ पर हम काफ़ी अरसे से काम कर रहे थे, लेकिन यहाँ पर जो मामला है पानी का, वो सबसे ज़्यादा यहाँ पे ज़्यादा मसाइल में से सबसे ज़्यादा मेन मसला है। उसकी वजह से बहुत ज़्यादा लोग बीमारियों में इन्वॉल्व हैं, और उसकी वजह से यहाँ सारे मसाइल की असल जड़ कह सकते हैं कि, यानी बीमारियों की जो असल जड़ है वो यहाँ पानी का मसला है। तो पानी के मसले की वजह से जो है ना, वो यहाँ पर सारे मसाइल हैं। तो अभी हम आप यहाँ पर ले कर जा रहे हैं, जिस तरफ हमने आप इलाके को देख रहे होंगे, यहाँ पानी जगह जगह खड़ा है। ये देखें, यहाँ पर अभी गुजर रहे हैं तो इतनी गंदी स्मेल आ रही है ना, जिसका कोई हिसाब नहीं है। यहाँ लोगों के पास मसाइल हैं बहुत ज़्यादा। यार आगे कर लो, ये यहाँ पे आप देख सकते हैं लोगों का रहन सहन, इधर उधर अगर आप थोड़ा सा दिखाएं लोगों का रहन सहन किस तरह है, यहाँ पे लोग किस तरह रहते हैं, ज़िंदगी का लाइफ स्टाइल देखें लोगों को। सफाई का तो बिल्कुल यहाँ पर कोई निज़ाम ही नहीं है, पानी का मसला है, बाकी जितने भी बुनियादी मसाइल यहाँ पे बहुत ज़्यादा हैं। लेकिन इसके साथ ही अभी अल्हम्दुलिल्लाह जो हमने काम किया है, क्योंकि सदकों में से बेहतरीन सदका पानी का है, तो आप देख सकते हैं यहाँ पे, बड़ा देखें बच्चे अभी भी पानी पी रहे हैं यहाँ पे। ये यहाँ पे हमने इसका आज बाकायदा अल्हम्दुलिल्लाह इफ्तिताह किया, आप देख सकते हैं ये पानी है, यहाँ पर हमने इसका पानी लगवाया है। ये अभी यहाँ पर पानी चल भी रहा है, बच्चे यहाँ से लेके जाएंगे फैमिलीज वगैरह। तो यहाँ के लोगों के लिए एक बहुत बड़ी सहूलत है जो हमने यहाँ पे हमें कोई बता सकता है, ये पानी का मसला था यहाँ पे कितना मसला था, बता सकते हैं आप? पहले है था इधर, हाँ, इससे फ़ायदा होगा, आप बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा। चलें ठीक है, आगे ले आए, ज़रा आपको दिखाते हैं। यहाँ मस्जिद के अंदर जो इसका निज़ाम सारा है ना, वो हमने मस्जिद के अंदर करवाया है, वो देख सकते हैं आप। अब कैमरा मैन आपको दिखाए, वो सामने उसका जो प्लांट वगैरह है वो हमने मैनेज करवाया है। तो ये सारा यहाँ पे जो है ना, आगे ले आते हैं, थोड़ा सा रास्ता दीजिए। ये बात आप तक जो पहुँचाना चाहता हूँ, आप थोड़ा सा इस तरफ आ जाए, ये बात जो आपको पहुंचाना चाहता हूँ, मकसद ये कि हम यहाँ पे काफ़ी अरसे से काम कर रहे थे, मुख्तलिफ एक्टिविटीज़ कर रहे थे, सेशंस भी कर रहे थे, रमज़ान में इफ्तारी भी की थी, मुख्तलिफ एक्टिविटीज़ की, लेकिन यहाँ पे हमने वक्तन फवक्तन मुख्तलिफ केसेस को भी फैसिलिटेट किया। लेकिन यहाँ पे जो मसाइल हैं ना बुनियादी, उनमें से सबसे जो बड़ा मसला है वो पानी का मसला था। तो अल्हम्दुलिल्लाह आज हमने उस पर काम करते हुए, यानी हम पहले उस पर प्रैक्टिकली वहाँ के ज़मीनी हकायक को जाना, लोगों के मसाइल को जाना, फिर जो जो हम वक्तन फवक्तन मसाइल हल कर सकते थे वो हल किए, उसके बाद जाके हमने ये पानी वाला मसला यहाँ पे अल्हम्दुलिल्लाह आज फ़िल्टर प्लांट का बाकायदा आगाज़ कर दिया गया है। लेकिन एक बात यहाँ पे जो करना चाहूँगा, लाहौर को पेरिस बनाने वाले लोग और लाहौर के लिए बहुत कुछ करने वाले लोग, एक तरफ आप देखते हैं मॉडल टाउन, फैसल टाउन, बैरियर टाउन, वहाँ पोश इलाकों में बड़े बड़े लोग रहते हैं, एक तरफ वो लोग हैं, और एक तरफ अगर कैमरा मैन थोड़ा सा दिखाए, एक तरफ ये लोग हैं, ये भी इसी पाकिस्तानी हैं, इसी मुल्क का हिस्सा हैं, लेकिन यह हालात आप देख सकते हैं कि किस तरह के हैं। तो हम जो एक चंद लोगों को सामने रख के पाकिस्तान का जो व्यू दिखाते हैं, तो वो हकीकी पाकिस्तान नहीं है, ये लोग भी पाकिस्तान का हिस्सा हैं। मैं चंद दिन पहले बलूचिस्तान के इलाके में गया, बलूचिस्तान मैंने तकरीबन कोई 4-5 जवीयर वहाँ के मैंने विज़िट किए, तो वहाँ जो लोगों के हालात हैं, यहाँ पे जहाँ पे अभी मैं खड़ा हूँ, ये बेगम कोट का इलाका है शादरा के पास, यहाँ भी लोगों की इसी तरह सेम मसाइल हैं। हालाँकि ये लाहौर को बिल्कुल टच करता है, यानी लाहौर का इलाका ही समझा जाता है, लेकिन यहाँ पर तवज्जो ना होने के बराबर, यहाँ पर जो ख़ास तौर पर मसला है वो लोग जो हैं वो नशे की लत में बहुत ज़्यादा पड़े हुए हैं, यहाँ पर बाकायदा सप्लाई होता है और यहाँ पर बहुत से मसाइल हैं। तो ये सारी चीज़ें इसकी वजह से लोगों के लिए मसाइल का सामना, नौजवानों के लिए कोई ऐसा नहीं है। अल्हम्दुलिल्लाह हमने यहाँ काम किया, बाकायदा हम काम कर रहे हैं, इंशाल्लाह आने वाले वक्तों में मज़ीद भी काम इस पर करते रहेंगे। आज का मैसेज पहुँचाने का मकसद आपको ये, आपके इलाके का, इस इलाके का विज़िट करवाना और साथ बताना था कि ये एक बहुत बड़ा सदका है, इसमें आप भी हमारे साथ तआमुन कर सकते हैं। शुक्रिया।